तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे ब्लू स्टार लिमिटेड के बारे में। बेसिकली कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, आज की बोर्ड मीटिंग में कंपनी बोनस के ऊपर भी फैसले लेने वाली थी और साथ में डिविडेंड के ऊपर भी फैसले लेने वाली थी। तो बोनस के रूप में कंपनी ने 1:1 के रेशियो पर बोनस देने का ऐलान किया, यानी कि हर एक शेयर पर आपको एक शेयर कंपनी की तरफ से अलॉट किया जाएगा, जिसका जो रिकॉर्ड डेट है वो कंपनी ने अभी डिस्क्लोज नहीं किया। आने वाले कुछ दिनों में एक और बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें रिकॉर्ड डेट कंपनी डिस्क्लोज कर देगी। तो याद रखिएगा 1:1 के रेशियो पे कंपनी बोनस देने जा रही है। डिविडेंड की बात करें तो 12 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की है। तो याद रखें कंपनी बोनस 1:1 का दिया और डिविडेंड साथ में 12 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से दिया गया। चलिए अब नंबर देख लेते हैं नंबर्स कैसे हैं, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देखते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 1794 करोड़ के कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2254 करोड़, इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2623 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखें तो एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली है। अप्रोक्सीमेटली साल दर साल बात करें तो 18% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास की तेजी है क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। चलिए कंपनी के खर्चे देखते हैं, खर्चे क्या हुए हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें 1718 करोड़, पिछले साल 2147 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी के खर्चे 2485 करोड़ के आसपास हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 58 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 76 करोड़, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 225 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो साल दर साल देखें तो 3 गुना बढ़ चुका है। जी हाँ, 300% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो 60 करोड़ के मुकाबले 225 करोड़, वहां तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 4 गुना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुका है। तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही। चलिए ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस अप्रोक्सीमेटली 6 रुपये के आसपास था, पिछले साल 7.92, अभी देखें तो 24 रुपये के आसपास ईपीएस आ चुका है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर का नंबर तो बहुत शानदार है। कंपनी बेसिकली नंबर तो बहुत भयंकर दिए रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों के मामले में, और साथ में कंपनी ने बोनस और डिविडेंड दे के और भी मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव फैक्टर एड ऑन किया है। तो मेरे हिसाब से नंबर सारा कुछ सही है। अगर शेयर के अंदर तेजी नहीं आई है तो एक बड़ी तेजी के लिए ये शेयर बिल्कुल तैयार है, अगर शेयर के अंदर एक तेजी नहीं आई है तो। बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।